बोस्निया के पूर्व जनरल और युद्ध अपराधी स्लोबोदन प्रलायक ने कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ही जहर पी लिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रलायक 1992 से 1995 तक बोस्निया में चल रहे गृह युद्ध के अपराधी थे। वो बोस्निया क्रोशिया के उन 6 राजनीतिक और सैन्य नेताओं में से थे जिनकी सुनवाई हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में चल रही थी। स्लोबोदन को मुस्तार शहर में किए गए युद्ध अपराधों के लिए 2013 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। ये सुनवाई इस सजा के खिलाफ की गई, आखिरी अपील पर हो रही थी। जैसे ही स्लोबोदन को पता चला कि ट्रिब्यूनल ने उनकी सजा को बरकरार रखा है, उन्होंने तुरंत सबके सामने ही जहर पी लिया। उनके जहर पीते ही जज ने अदालत की कार्रवाई रोक दी।